ना चांद पे ले गया था, फिर मेरे को आया गुस्सा, एक एलियन के मारा और नीचे कूद गया। नीचे कूदा जैसे ही एक घर टूट गया, बट तो देखिए। अब मैं बता, रानी परी आ गई थी हमारे घर से एक बार, तो रानी परी बोली, बेटा प्रिया तू ना बहुत अच्छी है, तो हमारे घर चल। तो मैं वो भी फिर रानी परी के घर तो चली गई। तो वहाँ ना मेरा इतना अच्छा बर्थडे मना, सब लोग आए थे और मैंने बहुत बड़ा शहर किया सारे घर का। और बताऊंगा मेरे घर में ना एक जादुई अलमारी आएगी, और मेरे घर में एक जादुई फ्रिज और जादुई बेड आने वाला है। एक बात हाँ, पीछे जो जंगल है ना, हाँ, उसमें ना मेरे दादाजी ने सोना दबाया था। अच्छा, और मेरे जो नाना जी है ना, नाना जी उनकी क्या बोलते हैं, उनके पास इतने सारे पैसे, कार, चार चार दस दस कार है उनके पास, और बाइक भी बहुत सारी किराए से दे रखे हैं, ट्रक भी है उनके पास, और बहुत बड़ा घर है मेरा डालने का। और मैं एक बात बताऊँ, तुम्हारे जो घर है ना उसके पीछे है ना मेरे दादा है ना, तो क्या एरोप्लेन दबा रखी है। और मेरी नाना है ना, उनके जो घर के पीछे वो गेट है ना, उसके नीचे मिट्टी मिट्टी है, फल फ्रूट उग रहे हैं, उसके साइड में जो भगवान के साइड में एक और जगह है ना खाली, वहाँ ना मेरे नाना ने ट्रक, चार ट्रक गार्ड में ले, और दो बाइक, एक कार, इतने सारे। और है ना बताऊँ क्या, मेरे जहाँ तेरे दादा की वो गार्ड है ना, वहाँ है ना मेरे दादा के ना एक कंपनी के है ना, नहीं वो चिकनी चिकनी मिट्टी है ना, हाँ खोद के उसको घर को उठा के वहाँ फेंक डाला, बहुत सारी गाड़ियाँ दबी हुई है अभी वहाँ। वो हमारी है, अरे गधी मेरी फैक्ट्री दबी हुई है उसके अंदर है। मेरे नाना है ना मेरे एक सुपर स्पीडो कार थी। तो क्या मेरे दादा का पहले है ना सोना घर था, और अभी भी है ना, और मेरे पास इतना सारा सोना है, सोने का प्लान, सोने का बेड, सब चीज सोने के अंदर से, बस वो बाहर से ऐसे ही दिखते हैं ना। और है ना मैं पहले इतने बढ़िया कपड़े पहनते थे, पर है ना वो कपड़े मैं खरीद ही नहीं सकता, तभी तो फट इतने फटे हुए कपड़े पहनता है तो नहीं कुछ अमीर मम्मी। तो बोल, वो है ना बुआ जी, मेरी मत्ता दीदी है ना, वो क्या बोलते हैं रो ऐसे, उनके जो है ना उनकी दुकान है ना, जो किराने की दुकान है तो जानते ही है, वहाँ किराने की दुकान है ना, उस पे ना सोना ही सोना बेचते हैं, वो भी फ्री के अंदर बहुत सारा सोना है उसमें, सोने के खिलौने, सोने के बैड वगैरह भी बेचते हैं। अरे इतने फेंके मत, तो ऐसी जर्सी नहीं पहनती, फिर तो पैसों के कोट बनवाती, पैसों के पैंट बनवाती है। अरे पागल है क्या, मैं नहीं मानता। अरे पागल है, मतलब सकरगढ़ में अपन तो यहाँ रहते बड़ा है पागल बोलने वाला। उनके मार दिया था कैसे बताऊंगा, उसको गोल गोल घुमाया पूछड़े पकड़ के नीचे पटका, फिर उसके लात मार दिया कैसे, फिर है ना मालिक ने है ना मेरे को नौकरी से निकाल डाला, बोलते क्योंकि वो अंदर है ना मैंने शेर के लात मारी थी कैसे बताऊंगा, वो है ना मैंने पूछड़ी पकड़ी, क्या बोला था, क्योंकि वो तो खिलौना था। तेरे पास कोई काम हो तो बता। हाँ बहुत सारे काम है ना, ट्रेन है ना ट्रेन, उसके आगे की लाइट खराब हो गई, तेरे को लाइट टॉर्च है ना क्या बोलते हैं आगे आगे चलना होगा टॉर्च चला के। ठीक है, काम पसंद नहीं है दूसरा होता। अच्छा फिर बताती हूँ, जितने चार होते हैं ना हाँ, उनकी सफाई करनी है। अरे नहीं ये काम तो नहीं होगा, उनमें झटका लग गया तो मेरे को ये काम तो नहीं करूंगा। चलो झाड़ू पोछा। अरे ये काम तो कती बन कर बाड़ो। तो हमारी एक मैडम जी है ना स्कूल वाली, उसने बोला था कि तुम्हारे पास एक लड़का हो ना तो उसको हमारे घर पे भेज देना। ऐसे ट्रक चला ले इसके लिए।
है ये काम कर लूंगा। अरे वैसे मेरे को ट्रक चलाना आता ही नहीं है। ओ तो बाइक तो आती है ना? हाँ बाइक आती है। ड्राइवर बनना है कार का। हाँ ठीक है। वो पता है बहुत देंगे। अच्छा दिवाली के दिन? दिवाली के दिन 50 लाख रुपए देंगे तो मैं पटाखे पटाखे लेके आऊंगा। तो मैं काम कर रहा था ना तो मेरे को भी बहुत सारे दिए थे उन्होंने। जॉब दोस्तों आपको हमारी हंसी मजाक वाली अच्छा कॉमेडी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो प्लीज। अगले पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।